देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 3 जुलाई 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में आज 80 नए मामले, मौतें 2 और 228 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 2644 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 1442 नए मामले आए हैं। 1840 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 19729 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 195 नए कोविड-19 मामले, 390 रिकवरी और 14 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 2752 हैं। नंबर चार, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 76 नए कोविड-19 मामले, 148 रिकवरी और 15 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 1293 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 858 नए मामले आए हैं, 1175 रिकवरी हुई है और 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 12726 हैं। नंबर छह, असम में आज कोरोना वायरस के 2453 नए मामले आए हैं, 2902 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 27 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 23914 है। नंबर सात, कर्नाटक में कोरोना वायरस के 2984 नए मामले आए हैं, 14337 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 88 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 53871 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में आज 109 कोविड-19 मामले, 108 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1864 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 4230 नए मामले आए हैं, 4952 रिकवरी हुई है, 97 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 36707 हैं। नंबर 10, पौंडिचेरी में आज 175 नए मामले, 8 मौतें और 276 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 2232 है। नंबर 11, गोवा में पिछले 24 घंटे में 183 नए कोविड-19 मामले, 285 रिकवरी, 2 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 2174 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3464 नए मामले आए हैं, 4284 रिकवरी और 35 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 37323 हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 76 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 159 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 1312 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में आज 12095 नए कोविड-19 मामले, 10243 रिकवरी और 146 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 103760 हैं। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 43 नए कोविड-19 मामले, 8 मौतें और 54 ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 514 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना वायरस के 88 नए मामले सामने आए हैं, 111 लोग ठीक हुए हैं और किसी की मौत दर्ज नहीं की गई है। सक्रिय मामले 831 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 150 नए कोविड-19 मामले, 214 ठीक हुए हैं और 1 मौत हुई है। सक्रिय मामले 1579 हैं। नंबर 18, मणिपुर में आज 656 नए कोविड-19 मामले, 13 मौतें और 603 रिकवरी दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 5970 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 181 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, इस दौरान 2 की मृत्यु दर्ज की गई है और 202 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 1692 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3222 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 3265 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 46 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 27685 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 409 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 467 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 3856 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8753 नए मामले सामने आए हैं, 8385 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 156 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 116876 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 133 नए कोविड-19 मामले, 288 डिस्चार्ज और 1 मौत दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 2560 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 93 नए मामले सामने आए हैं, 407 रिकवरी हुई हैं, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 1041 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 311 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 286 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 2783 हैं।
नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 की 305 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 467 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 5,620 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 331 नए कोविड 19 मामले, 437 रिकवरी और 6 मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,209 है। नंबर 28, मेघालय में कोविड 19 के 485 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 365 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 4,652 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोविड 19 के 278 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 183 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 आदमी की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 3,948 हैं। तो ये थे आपके राज्यों की 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।